दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 5 सितंबर रात्रि ठीक 1 बजे से आपकी कुंडली में होने वाला है एक बहुत बड़ा चमत्कार। बहुत सालों के बाद ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है जब किस्मत की चाबी आपके हाथ लगने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 सितंबर रात्रि 1 बजे से आपके जीवन में कुछ घटनाएँ होंगी और देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखें क्योंकि अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो बड़े बदलाव कौन से हैं। आपकी लव लाइफ, आपका प्रेम जीवन, खास तौर से आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम यहां तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो देरी ना करें, तुला राशि की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। मित्रों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें क्योंकि तुला राशि वालों, आप सभी जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 सितंबर 2021 को रात्रि 1 बजे से होगा एक बहुत बड़ा चमत्कार जिसे देखकर आपकी आंखें चौंक जाएंगी, जादुई चाबी आपके हाथ लगने वाली है। तो आइए जानते हैं ये सब किस तरह से होगा। देखिए, कुछ रुकावटें होने के बावजूद अब आपके प्रयास रंग लाएंगे, किस्मत की चाबी आपको मिलने वाली है जिससे जटिल से जटिल ताला आप खोल पाएंगे। ऐसा ही आपके लिए समय होगा, बहुत चमत्कारी समय होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ घरेलू समस्याएं आपके दिमाग पर हावी रहेंगी, संतान पक्ष को लेकर भी कोई बड़ी चिंता आपको 5 सितंबर के बाद सता सकती है और पिता पुत्र में अनबन भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्रा या फिर कोई मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका आपको मिलेगा। और वहीं व्यापारियों के लिए पूर्वाद के मुकाबले उत्तराद बहुत लाभकारी होगा और प्रेम संबंधों में लव पार्टनर से मुलाकात ना होने के कारण यहां पर आपका मन बेचैन रहेगा। लेकिन लव लाइफ में और भी बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको यहां किसी के साथ खूब संभल कर लेन देन करना होगा, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो धन संबंधित मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इसी के साथ जो जातक जमीन जायदाद को लेकर काफ़ी समय से उलझे हुए हैं तो उनके लिए घरेलू विवाद की आशंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन देखिए, अब 5 सितंबर के बाद जो समय होगा तब आपको कोई भी जोखिम भरे सौदे नहीं करने होंगे क्योंकि कार्यक्षेत्र में यहां पर आपके गुप्त शत्रु एक्टिव होंगे जिनसे आपको सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही किसी की आलोचना करने से आपको बचना होगा। बाकी प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का उतावलापन आपके लिए महंगा साबित हो सकता है जिससे बनी बनाई बात बिगड़ सकती है, यहाँ सावधानी आपको रखनी होगी। बाकी इस दिन आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें, शिवलिंग पर प्रतिदिन गाय का दूध चढ़ाएं, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करें, फिर इसके बाद आप परिवर्तन होता हुआ खुद देखेंगे। इसके अलावा यदि बात करें आपकी सेहत की तो देखिए, अपनी सेहत को लेकर भी आने वाले समय में आपको खूब सावधान रहना है क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी बीमारी या फिर कुछ पुराने रोगों के उभरने के आसार नजर आ रहे हैं जिससे आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा काम धंधे में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है जो आपको अच्छा लाभ देगी। लेकिन वहीं मन में थोड़ी दुविधा बने रहने के कारण किसी भी निर्णय को ले पाने में आप काफ़ी असमंजस्य की स्थिति में रह सकते हैं जिससे आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसी दशा में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना है, तभी ये समय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बाकी 5 सितंबर के दिन जैसा कि हमने कहा है कि रात्रि 1 बजे के बाद से आप ऐसे चमत्कार होते हुए अपनी आँखों से देखेंगे कि अब आपकी उलझी हुई किस्मत आपकी जादुई चाबी के सहारे खुल जाएगी। यानी अगर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तो इसके लिए बस आप इस समय भगवान भरोसे रहकर काम करें क्योंकि भगवान यहां पर आपको कोई गलत राह नहीं दिखाएंगे बल्कि उनका पूरा आशीर्वाद अब आपके ऊपर होगा जिसके चलते आप हर कठिन परिस्थिति को पार कर पाएंगे। शनिदेव की कृपा
5 सितंबर के बाद से आपके ऊपर होगी। आपके सभी काम शनिदेव की कृपा से बनते चले जाएंगे। आप हर कठिन परिस्थिति को पार कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल लौटेगा और वहीं सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर आपका कुछ अत्यधिक धन भी खर्च हो सकता है। सुख सुविधाओं की चीज़ें आप खरीद सकते हैं जो आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। तो देखिए, खर्चों पर आपको सबसे पहले काबू करना होगा। फिजूल के खर्चे ना करें। यहाँ पर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़ा विवाद समाप्त हो जाने पर आपको सुकून की प्राप्ति होगी। अगर कोई विवाद चल रहा था जमीन को लेकर तो वो सुलझेगा और साथ ही सौभाग्य का भी यहाँ पर आपको पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। यदि बात करें उन लोगों की जो विदेश से किसी तरह का बिजनेस करते हैं, तो देखिए विदेश से संबंधित कार्य करने वालों को अच्छा लाभ होगा। घर परिवार में तालमेल बनाकर चलने पर लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से आपके व्यवसाय में अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। आप काफ़ी लाभ अर्जित करेंगे। कारोबार में कोई नया सहयोगी इस समय आपको मिल सकता है, जिससे आपको भविष्य में भी लाभ होगा। हालांकि यहाँ पर घर गृहस्थी के कार्य को लेकर थोड़ा सा व्यस्तता जरूर बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थितियाँ परिवर्तित होती जाएंगी और ये आपके पक्ष में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें आपके करियर की, करियर और कारोबार को लेकर मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में मित्रों और सहयोगियों की उपेक्षा से आपके अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। हालांकि यहां पर किसी भी स्थिति में आपको अपना आपा नहीं खोना है और साथ ही आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के योग भी इस समय अवधि में आपके लिए बन रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे ख़ास चीज़ होगी वो ये होगी कि किसी महिला मित्र की मदद से आपको एक बड़ा मुनाफा हाथ लगेगा। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। ये महिला मित्र आपका पूरा जीवन बदल देगी। 5 सितंबर के बाद से एक महिला आपके जीवन में दस्तक देगी, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यानी कि कहें तो इसी महिला के हाथ में आपके किस्मत की चाबी होगी, जो आपको आपकी किस्मत को खोल देगी। और देखिए, इसके लिए आपको किसी मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तकें दान करनी होंगी या आपके हर बिगड़े काम अपने आप बनते चले जाएंगे। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। यकीन मानिए, इससे आपको बहुत बढ़िया फायदे होंगे। समय जो है बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन यहाँ पर कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि लापरवाही दिखाएंगे तो आपको नुकसान होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर भी परिजनों के साथ विवाद की आशंकाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो जातक अपने नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि इसके लिए कुछ योजनाएं आपने पहले से बना रखी हैं, तो देखिए ये उन योजनाओं को लेकर अपने व्यवसाय में आपको सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। अगर कहीं निवेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो पहले बहुत अच्छे से उसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें, सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लें, तभी आप निवेश करें। क्योंकि यहाँ पर कोई आपके ही साथ रहने वाला व्यक्ति कुछ गलत तरीका अपनाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, तो उनसे आपको सावधानी जरूर रखनी है। बाकी समय आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। और देखिए, लंबे समय से अटके हुए जो आपके काम थे वो सभी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जो जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो देखिए रोजी रोजगार के में किए गए आपके प्रयास सफल होंगे, ऐसा ये समय होगा। बात करें सामाजिक क्षेत्र की, तो देखिए समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका नाम होगा। अगर राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां भी आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहां पर किसी बड़े कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, आप लोगों को राहत महसूस होगी। साथ ही आपको बता दें, यहां पर अपने चित परिचित का पूरा प्रभाव आपका बना रहेगा, यानी किसी कार्य या योजना को लेकर किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। विभिन्न स्रोत से आय के नए नए मार्ग खुलेंगे, क्योंकि आने वाला ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ रहेगा। आपको बता दें, प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में बहुत ये 5 सितंबर के बाद का जो समय है काफ़ी अनुकूल है। जो जातक लंबे समय से जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश खत्म होगी, एक महिला आपके जीवन में दस्तक देगी। अगर आप मनचाहे प्यार की तलाश में हैं तो ये तलाश आपकी खत्म होगी। वहीं परिवार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं, जिसको निभाना आपका पहला कर्तव्य होगा, क्योंकि 5 सितंबर के बाद से जो समय परिवर्तित हो रहा है वहां आपके लिए निरंतर और आर्थिक भाग्य उदय से आर्थिक लाभ होने वाले हैं, जिससे व्यापार में आपकी उन्नति होगी। व्यापार आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, भविष्य के लिए भी आप कुछ अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में विजय हासिल होगी, लेकिन यहाँ पर आपका शत्रु पक्ष एक्टिव रहेगा, तो शत्रुओं से आपको हर समय बचकर रहना होगा, उनसे थोड़ा सावधान रहें। बाकी खुदरा व्यापारियों के लिए ये समय बड़ा शानदार रहेगा, तो ये
5 सितंबर का जो समय है ये काफ़ी शानदार है। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।